साफियों से भी जब खान साहब ने बात की तो आपके हवाले से एक नरम गोशा नजर आया कि यार फवाद के साथ बड़ी ज्यादती हुई और फवाद ने मेरे खिलाफ गवाही वगैरह नहीं दी, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो सकी उसके बाद, तो अभी तक वो उसी तरह वो सर्द खाने में है, मुलाकात वाला मामला रुका हुआ है। नहीं, बड़ा मुझे गुस्सा है इस बात का, मुझे बड़ी जो है वो इस बात के ऊपर आई वुड से कि एक दो तीन चीज़ों के ऊपर बड़ा गुस्सा। एक तो देखे जी, पहली बात तो यह है कि हमने जो सफ़र किया है पिछले एक साल में, देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैं जाके आईपीपी में शामिल होके, और हमारे चूंकि आपका एडवांटेज यह है कि आप पीछे आपका ताल्लुक भी जेलम से है, आप मुझे बताएं कि मेरे हलके में जो पीएमएलएन थी उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था मुझे टिकट देने में, आईपीपी का मैं टिकट लेता, मैं फॉर्म 47 में आके यहाँ पे दोबारा वजीर बन जाता, मुझे क्या प्रॉब्लम थी। ठीक, लेकिन देखिए मैंने जो सोचा और जो मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है, देखिए आप मैं कभी ये पॉलिटिक्स ही मेरी नहीं होती कि आप मैं तीन साल मैं 2011 में वजीर रहा हूँ, मैं 2012 में वजीर रहा हूँ, अभी मैं खान साहब की जो कैबिनेट थी आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ 3-4 मोर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मेरा साथ आपने कभी पुलिस वाला देखा ही नहीं होगा, मैं ना कभी पुलिस, ना मुझे ये शौक है कि गाड़ी रुके और ट्रैफिक हो, ना मैंने ये कभी पता किया कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में DPO कौन है। हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं हम एक नेशनल लेवल पॉलिटिक्स करते हैं और हम उसको सोचते हैं। आप देखें हमारा वहाँ पे जो मेरा मुद्दा था वो ये था, पहले तो खैर देखें मेरे घर वाले ही कोई नहीं मानता था कि हम ये हम पे खान साहब हमारे मोहसन हैं, हम पे उन्होंने मेहरबानियाँ की हैं, इतना उन्होंने मोहब्बत दी है और हमारा जो भी तारुफ है वो इस वजह से। फ़िलहाल तो कोई आपकी मैसेजिंग वगैरह नहीं हो रही खान साहब के साथ किसी के थ्रू, कोई पैगाम वगैरह? वो बहरहाल मैं अभी इसको कन्फर्म या डिनाई नहीं करता। जी हाँ जी, इस वक्त तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए मसला जो मतलब अगर हम देखें एक जमात को देखें, आप कहें कि जनाब ये मसला है खान साहब जेल में, ये मसला क्या है? नहीं, मसला देखें सबसे बड़ा तो ये है कैडर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो जान है वो तो कैडर ने डालनी है ना। इस वक्त जो भी हालात रहे हैं पिछले एक साल में, जो बर्बरियत रही है, फस्ताइयत रही है, जिस तरीके से लोगों को मार कुट के, तशद्दुद करके, फैमिलीज़ को हरासा करके, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया है, उसके नतीजे में PTI की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो तो आउट है। ये पार्ट टाइम लीडरशिप है जो इस वक्त जो है वो चला रही है। अब इसमें देखें मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं शायद ना करता, मैं पहले भी नहीं कर रहा था, बट देखें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे जो मेरा हंच है, जो मेरा खौफ है वो ये है कि इस लीडरशिप की जो पॉलिसीज़ है ना उसके नतीजे में इमरान खान जो हैं वो मजीद कई महीने जेल से बाहर नहीं आ सकते। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम, और उसके ऊपर इनकी जो रिलायंस है, मसलन आप देखें, आप ज़रा ईद से ऑनवर्ड आके देखें, वो एक वकील आता है वो कहता है जी बस ये छोटी ईद के ऊपर खान साहब बाहर आ गए, फिर अगला आता है वो कहता है नहीं बड़ी ईद के ऊपर बाहर आ गए, फिर कहता है बस ये रमज़ान के बाद। ओ भाई अदालतों से ये फैसले होते हैं, आपने क्या किया है कि आपने जो सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उसको सबसर्वियंट कर दिया है अपनी लीगल स्ट्रेटजी के। ठीक है, होना रिवर्स चाहिए, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आपकी लीगल स्ट्रेटजी के ऊपर होना चाहिए ना, उसके सबसर्वियंट तो नहीं होना चाहिए। ठीक, 8 फरवरी को देखें इन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया अपना। 8 फरवरी को जब इनका ये इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, दैट वाज द टाइम जब पंजाब के अंदर और यहाँ पे मूवमेंट का ऐलान करना चाहिए था, सबके सामने इलेक्शन चोरी हो रहा था, हम तो जेलों में थे उस वक्त। वहाँ पे इन्होंने सुस्ती दिखाई आप समझते हैं, और सियासी तौर पे सुस्ती क्या दिखाई, आप अपने रिपोर्टर से पूछिएगा जो PTI को कवर करता है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, कोर कमेटी में ये कहते हैं कि जी हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, सारे सबके सामने इलेक्शन चोरी हो रहा है, और वहाँ पे शिबली साहब कहते हैं और ये अपना हामिद साहब कहते हैं नहीं 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 हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। ओ भाई पार्लियामेंट में तुम लोगों को जाने ही कोई नहीं दे रहा, तुम लोगों का इलेक्शन चोरी हो गया, तुम लोग पार्लियामेंट में क्या रोल अदा करोगे? ठीक है, उसके बाद देखें जब ये लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, उसने आके कच्चा चट्ठा ही खोल दिया, मतलब जो उसने स्टेटमेंट दिया है उसने देखे ना, उसने तो एक्सपोज ही कर दिया ना इलेक्शन कैसे हुआ क्या हुआ, उसमें उसने का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले दिया, PTI ने उसको पलट के नहीं देखा उस बंदे को, वो मिसिंग हो गया, पता ही नहीं चला कि किधर चला गया, कोई बंदा उसको पूछने वाला नहीं। यानी ये वो सारे सियासी फेलियर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दे शुड हैव फाइल्ड अ रेफरेंस एट दैट टाइम, और उस वक्त उन्होंने आगे कहा नहीं नहीं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो असल में हो जाएगा, साथ हो जाएगा, छोड़ दें हम इसको, छोड़ दें उसको। आपने इतनी बड़ी जो एक्सपोजर था वो आपने जो है वो एक बड़ा मौका जाया कर